हाय एवरीवन, दिस इज आर शर्वाल एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर वॉल्ट चैनल। तो हमने पिछले कुछ समय में यानी कि जून में देखा था कि डेथ क्रॉस हुआ था बिटकॉइन का, और उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस लगातार नीचे जाता गया और सभी ऑल्टकॉइंस बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहे थे क्योंकि वैसे भी बेयरिश ट्रेंड चल रहा था। लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल होने वाला है कि जल्द ही बिटकॉइन का गोल्डन क्रॉस होने वाला है। तो आप जानते हैं कि डेथ क्रॉस होने के बाद ज़्यादातर मार्केट और भी ज़्यादा डिक्लाइन होती है, लेकिन उसके बाद अभी सिचुएशन थोड़ी और बेहतर हो रही है क्योंकि अभी बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा है। $47,000 के आसपास आज भी पहुंचा था, यानी कि करीब 46,700 के आसपास। तो जल्दी पॉसिबिलिटी बन रही है कि बिटकॉइन का गोल्डन क्रॉस भी आने वाला है। तो गोल्डन क्रॉस में उसी तरीके से उल्टा होने वाला है, यानी कि प्राइस और भी ज़्यादा पंप करेगा। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ इथेरियम की हम बात करेंगे क्योंकि इथेरियम की थोड़ी पॉसिबिलिटी बन रही है कि अभी एक रेड जोन आने वाला है, यानी कि यहाँ इथेरियम का मेजर सेल ऑफ भी हो सकता है। एक और न्यूज़ आई है पॉली नेटवर्क को लेकर कि यहाँ हैक हो चुका है बहुत ही बड़ा, तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग हमें क्वेश्चन कर रहे थे हमारे ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, कि क्या इससे मैटिक के ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा, क्या मैटिक का प्राइस भी गिरने वाला है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और हमारे चैनल वॉल्ट ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मार्केट के बारे में। बिटकॉइन की बात करें तो अभी $45,000 के आसपास चल रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ थोड़ी स्टेबल हो चुकी है। इथेरियम का प्राइस भी 3,3100 के आसपास चल रहा है। देखा जाए तो पॉलीगॉन उसी तरीके से है, उसी प्राइस पर है जिस पे हम रोज ही बात करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी सर्च नहीं दिख रहा। AXS जो मैंने आपको पहले बताया था एक्सी इन्फिनिटी में बहुत बड़ा पंप आ रहा है, इवन $60 अभी भी चल रहा है और इसमें ओवरऑल 38% का इंक्रीज आ चुका है क्योंकि एक बेस्ट NFT प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मेजर इवेंट्स आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर। इसी के साथ अगर हम बात करें शिबानू की तो वो वैसे ही है, उसका प्राइस कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इवेंट भी आने वाला है, शायद बर्न इवेंट जल्दी आएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप कार्ड के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। डॉजकॉइन की बात करें तो वो $0.25 के आसपास आगे स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट टारगेट की जो है $0.3। बिटकॉइन की बात करें तो करीब 20% इंक्रीज हो चुका है पूरे एक हफ्ते के अंदर, इतना बड़ा राइज हमें दिखा है। यही कारण है कि इसकी मार्केट ओवरऑल भी बहुत अच्छी चल रही है एंड बिटकॉइन का प्राइस $45,000 तक ही पहुंचा पूरी रैली के अंदर, क्योंकि रैली भी बहुत ही लंबी थी एक्चुअल में। और यही कारण है कि इथेरियम का भी करीब 25% का इंक्रीज हमें दिखा है। लेकिन गोल्डन क्रॉस भी आने वाला है जल्दी, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इथेरियम के बारे में। तो एक्चुअल में रीज़न ये कि इथेरियम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है, यही कारण है कि इथेरियम का भी प्राइस इस प्राइस से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। तो जून में हमने देखा था कि एक डेथ क्रॉस दिखा था और अब दोबारा से 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज दोनों लाइंस क्लोज आती जा रही हैं और पॉसिबिलिटी बन रही है कि जल्दी गोल्डन क्रॉस भी होगा। मेन रीज़न इसका ये कि यहाँ जो मेजर पुलबैक्स हो रहे थे या फिर मेजर जो सेलिंग हो रही थी उस तरीके की इस वक्त नहीं हो रही है। अगर सेलिंग अभी भी कंटिन्यू रहेगी या फिर पुलबैक रहेगा तो बिटकॉइन का प्राइस दोबारा से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त बिटकॉइन का बहुत बुलिश इवेंट आने वाला है, यानी कि डेथ क्रॉस आएगा जब दोनों लाइंस 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज दोनों क्रॉस करने वाली एक दूसरे को। कुछ बड़े ट्रेडर्स और एनालिस्ट का बोलना है कि ये 3 दिन में पॉसिबल होने वाला है। तो आप भी ट्विटर के ऊपर सर्च कर सकते हैं रेक्ट कैपिटल, तो उनका मानना यह है कि 3 दिन के अंदर गोल्डन क्रॉस हमें दिख सकता है। लेकिन इससे पीछे कंडीशन ये है कि अगर $47,000 से अबव बिटकॉइन का प्राइस जाता है या फिर $50,000 के जोन के अंदर रहता है तो ये पॉसिबल जल्दी होने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल को लेकर जो USA का है जिसमें क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेस लगाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके ऊपर बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, यानी कि अगर वो पॉजिटिव निकल करके आता है तो बिटकॉइन का प्राइस एकदम से पंप लेगा, लेकिन अगर फिर से नेगेटिव कुछ भी आता है इस बिल को लेकर तो पूरी मार्केट डंप हो सकती है दोबारा से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि $35,000 तक भी जा सकता है, तो इसके पीछे रीजन सब यही है क्योंकि उस वक्त भी बिटकॉइन का प्राइस करीब $40,000-$42,000 के आसपास चल रहा था। तो उस वक्त अगर नेगेटिव न्यूज़ आती तो उससे बेसिकली क्या है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे पुल बैक हो जाता और अपने नीचे वाले सपोर्ट्स को ब्रेक करता हुआ $35,000 तक पहुंच जाता। लेकिन अभी भी डिसीजन पेंडिंग है और इसके ऊपर डिपेंड करने वाली पूरी क्रिप्टो मार्केट। लेकिन अगर पॉजिटिव रहेगा सब कुछ तो हमें गोल्डन क्रॉस जल्दी दिखेगा और उसके बाद बहुत लंबी रैली दिख सकती है, शायद हमें वही $60,000-$65,000 तक भी बिटकॉइन दिख सकता है। वही अगर हम बात करें पॉली नेटवर्क की तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसका कनेक्शन मैटिक के साथ नहीं है, यानी कि मैटिक के प्राइस में कुछ भी ज़्यादा असर नहीं दिखेगा। हालांकि यहाँ पॉली नेटवर्क के ऊपर $600 मिलियन का हैक हुआ है। तो एक्चुअल में क्या है कि मल्टी चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल है पॉली नेटवर्क, तो एक्चुअल में ये बाइनेंस चेन इथेरियम और पॉलीगॉन के ऊपर अटैक हुआ था।
तो इथेरियम के ऊपर जो अटैक हुआ वहाँ से 264.8 मिलियन डॉलर्स की होल्डिंग थी जो है कोई है, बाइनेंस मार्चेट के ऊपर 250 मिलियन डॉलर और पॉलीगॉन के ऊपर 85 मिलियन डॉलर। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉलीगॉन का इसके साथ कुछ ना कुछ लिंक होगा, तब भी यहाँ बहुत कम अमाउंट है, 85 मिलियन डॉलर, यानी कि कंपेरेटिवली बहुत कम है ओवरऑल जो 600 मिलियन डॉलर का है। लेकिन यहाँ सिर्फ तीन चेन्स के ऊपर ही फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा है, बल्कि इसी के साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं पॉली नेटवर्क के ऊपर, उन सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो हमारी जितनी भी होल्डिंग्स है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर मैटिक में, तो उसमें खास फर्क नहीं दिखेगा, ना ही प्राइस में डिक्लाइन दिखेगा, तो आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका क्या मानना है बिटकॉइन के बारे में, क्या इसका गोल्डन क्रॉस आएगा या नहीं, कृपया नीचे कमेंट करके बताएं अपनी राय और अपना ओपिनियन। बाकी ये डिस्कशन हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर करने वाले हैं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर करने वाले हैं, क्योंकि हम आपको सारी अपडेट्स 24/7 मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं हमारे ट्रेडर्स के साथ किसी भी कॉइन के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉल्ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।